कब लेना है पेशेंट को ट्रिगर करेगा, सांस कब छोड़ना है पेशेंट को डिसाइड करेगा, पेशेंट ट्रिगर पेशेंट साइकिल पे चलते हैं। कुछ प्रश्न वो होता है जैसे एसआईएमपी हो गया, तो एसआईएमपी में क्या होता है मशीन को बोलते हैं कि 12 प्रेस को आनी चाहिए, तो मशीन क्या करता है 12 प्रेस देखता है 5 सेकंड में अगर पेशेंट ने कुछ सांस लेना नहीं दे दिया तो अगले 5 सेकंड में मशीन को पुश कर देता है, तो वो मशीन की ब्लड प्रेस हो गया। क्या हो गया मशीन की ब्लड प्रेस। कुछ होता है सीएमवी कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन कि 12 प्रेस आएंगे पेशेंट को, पेशेंट कोशिश करे या ना करे 12 प्रेस आएंगे और क्या होता है ये लिमिट हो गया। लिमिट क्या हो गया जितना आपने टाइडल वॉल्यूम सेट किया वो लिमिट हो गया, जितना आपने प्रेशर सपोर्ट और टीम सेट किया वो लिमिट हो गया। और साइकिल कब होगा एक्सप्लेनेशन कब होगा जब आपका एक्सप्लेनेटरी टाइम खत्म हो जाएगा। पेशेंट का होगा तो पेशेंट ने जब छोड़ने का चाहा तो छोड़ दिया। कुछ मोड ऐसे होते हैं भाई सुन लो थोड़ा और पेशेंट खुद सांस को छोड़ देता है अगर मशीन ट्रिगर्ड है। कुछ मोड्स ऐसे होते हैं जैसे सीएमपी मोड हो गया, सीएमपी मोड में ये होता है कि हमने मशीन को बोल दिया कि 12 ब्रेथ देने हैं, मशीन ये नहीं देखेगा पेशेंट सांस लेना चाहता है कि नहीं, खुद ट्रिगर करेगा जो भी इंस्पिरेशन टाइम आपने सेट किया है उतनी देर के लिए इंस्पिरेशन देगा, उसके बाद एक्सपिरेशन पे चला जाएगा, पेशेंट से कोई लेना देना नहीं ऐसे मोड का। कुछ होते हैं मशीन के साथ सेट करना शुरू होता है, ठीक है। अब सारे मोड्स मशीन में एक एक करके देखेंगे, अब क्लियर है वेंटिलेशन क्या था। सबसे पहली बात आज के टाइम में एक को छोड़ के जो देखा था हमने सब पॉजिटिव प्रेशर मशीन्स है, ठीक है, मतलब हवा झेलते हैं कि मशीन, ठीक है। दो मोटा मोटा मोड वॉल्यूम मोड या प्रेशर मोड, इसमें टाइडल वॉल्यूम फिक्स कर सकते हैं वो वॉल्यूम मोड, इसमें प्रेशर सेट करते हैं वो प्रेशर मोड। टाइडल वॉल्यूम कितना सेट करते हैं 5 to 8 ml पर किलो आइडल बॉडी वेट। आइडल बॉडी वेट क्या 18 सेंटीमीटर माइनस 100। फिर पी क्या होता है जो प्रेशर सांस छोड़ने में भी बना रहे वो पी होता है। पी करता क्या है पी आपके एफआरसी को बढ़ाता है, इसके वजह से आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाती है। पी आल्सो कैप का बड़ा भाई है, पोलिटरी वेंटिलेशन करता है, एंटीबैक्टीरियल को प्रिवेंट करता है। प्रेशर होगा इसमें कोई और सेटिंग नहीं होता है आपके इसको, क्योंकि एक ही प्रेशर सेट होता है उसमें। बाइपैप में हमने क्या बोला था कि तीन या चार मोड होते हैं, नहीं दो नहीं तीन या चार मोड होते हैं, चार मोड होते हैं बेसिकली। एस एस ने कोई सी और टी, एस मोड हो गया, एस टी मोड हो गया, टी मोड हो गया। एस मोड में क्या है एस मोड में क्या है कि आपका एक ईपैप होगा एक आईपैप होगा, यहाँ पेशेंट खुद सांस लेगा खुद सांस छोड़ेगा, इसमें कोई बैकअप ब्रेथ नहीं है। पेशेंट ने अगर 2 ब्रेथ लिया तो मशीन सिर्फ 2 मिनट के लिए सपोर्ट करेगा, पेशेंट ने 20 दिया तो 20 के लिए सपोर्ट करेगा, कोई बैकअप नहीं कर सकते सर। ये वाला जो वेंटिलेटर है उन पेशेंट्स के लिए सही रहेगा ना, जो लोग मतलब टेम्परेरी वेंटिलेटर पर ये मतलब इनवेसिव वेंटिलेटर इंडिकेटेड होना होगा, जो पेशेंट जिसको एकदम से इमरजेंसी में आया पहले 2 घंटे इसी में सेटल हो गया ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो बड़े वेंटिलेटर में चला गया। जिससे वो पेशेंट जो आईसीयू से निकल गया तो उनको थोड़ा सपोर्ट अभी भी चाहिए, वार्ड में लगना है या घर पे चले गए, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है 2 महीने 3 महीने, या कुछ पेशेंट है न्यूरोमस्कुलर पेशेंट है जिनको वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए पर चाहिए, उनको महीने महीने साल साल मतलब घर पे लगा रहता है होम केयर में। सर हेड इंजरी और एसआई के पेशेंट हाँ अगर चाहिए हो सपोर्ट चाहिए हो ये बहुत पेशेंट्स को सालों साल भी चलता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन आपको कोई FiO2 कनेक्टर नहीं होता ना, जैसे इसमें आप FiO2 बना सकते हैं, इसमें FiO2 नहीं दे सकते, इसमें ऑक्सीजन आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कनेक्टर लगा के वहाँ से ऑक्सीजन थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं, बस इसमें कोई ब्लेंडर नहीं होता FiO2 नहीं दे सकते, तो इसकी ये लिमिटेशन है छोटा मशीन है। ये डिसएडवांटेज ही है बेसिकली, ये बेसिकली पेशेंट को यूज़ में नहीं होता ना, जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए
एक स्टेबल पेशेंट जो घर पे स्टेबल हो सकते हैं, वार्ड पे हो सकते हैं, ये उनको कॉस्टली होता होगा, ये बहुत सस्ता होता है। अगर ये मशीन 11-12 लाख की स्टार्टिंग होती है तो ये मशीन 50,000 की स्टार्टिंग होती है, बहुत डिफरेंस। ये 50,000 की 11 लाख की नहीं, मतलब एज कम्पेयर में नहीं, हॉस्पिटल छोटी भी तो है ना। और टाइम सर बोला, सबने बोला एस्टीमेट होता है, इसमें एस्टीमेट जैसे करेंगे तो आपको दिख गया होगा कि एस्टीमेट करते हैं इसमें एक बैकअप रेट आता है, रेस्पिरेटरी रेट। तो आप जो भी रेस्पिरेटरी रेट रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप इंस्पिरेटरी टाइम सेट कर देंगे। और जब आपने सब कुछ सेट कर दिया तो इसमें कुछ मशीन्स में ये भी ऑप्शन होता है कि आप पैनल वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं। जैसे इस मशीन में हर बार पता नहीं होता है, उसमें है किसी किसी आई जिसमें जिसमें होता है, एक आई जिसमें होता है वो होता है। पैनल वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करते हैं सब जो भी आया आपका पॉइंट टू एट पेशेंट कनेक्टेड पड़ा।
क्लियर यस सर किसी मशीन में एफआई FiO2 is nothing to do with ventilation. FiO2 is fraction of inspired oxygen. क्या होता है? Ventilation का काम क्या है? Ventilation का काम है हमारा lung में हवा डालना, right? But lung में ऐसे हवा डालने से होता है टाइप ऑफ फील्ड है, उसको ऑक्सीजन की चेंजेस ना ऑक्सीजन ब्लेंडर जो ऑक्सीजन सोर्स से आएगा सिलेंडर से आएगा उसको वो इसी हवा में मिक्स कर देगा ब्लेंड कर देगा और डाल देगा FiO2 क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन जो है वो है बेसिकली हवा में हमारे नॉर्मल हवा में 21% ऑक्सीजन है उसी को हम वेंटिलेटर में 21% 24% 30% 100% का ऑक्सीजन पहला मैकेनिकल वेंटिलेशन कहते हैं बहुत पुराने जमाने में कभी मान रहा होगा और जो वो लोहा गर्म करते हैं ना फर्नेस उसमें फर्नेस का बोलते हैं हवा डालने वाला कोई मर रहा होगा उसमें घूमे लगा के किसी ने प्रेस कर दिया होगा प्लग इन फिट होगा दैट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन अब मैकेनिकल वेंटिलेशन कैन बी ऑफ मेनली टू टाइप्स हम जो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं वो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन करते हैं या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करते हैं नेगेटिव प्रेशर करते हैं नेगेटिव प्रेशर करते हैं ना हमारा डायफ्राम नीचे आता है जब हमारा डायफ्राम नीचे आता है क्या होता है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है तो हमारा नेगेटिव प्रेशर को पॉजिटिव बाहर से हवा बेसिक फिजिक्स का रूल है कि जहाँ भी नेगेटिव होगा वहाँ हवा अंदर दो तरीके के होते हैं एक तो पहले जमाने में आते थे नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर ऐसे बड़े से ना आपको दिखाऊंगा ऐसे बड़े से आयरन लंग होते थे तो आयरन लंग में ना पेशेंट को डाल देते थे और नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता था बहुत थोड़ा सा मशीन होता था और ये पेंडेमिक के लिए होता था सो व्हेन यू स्पीक ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लंग प्रिंसिपल ब्रोंकस से यहाँ से एरिया से और एल्वियोलाई तक पहुँचने में 28 डिविजन्स होते हैं ठीक है जब 28 डिविजन्स होते हैं तो सारे के सारे गैसे सिस्टम में पार्ट के थी गैसे सिस्टम में हमारा एल्वियोलाई क्या होता है 28 जनरेशन है रेस्पिरेटरी ब्रोंकस से एल्वियोलस वहाँ पे एक गैसे सिस्टम होता है बाकी में दिस इज ऑनली फॉर कंडक्शन मतलब हवा आने के लिए ले जाती है Thank you.
दुनिया में कोई भी वेंटिलेटर, ठीक है, कोई भी वेंटिलेटर मोड हो, तो सिर्फ तीन चीजें होती है, याद रखना, सिर्फ किसी की लगे पहली चीज होती है ट्रिगर, कब हवा आना शुरू होगा, कब इंस्पिरेशन, जो हम हवा पुश कर रहे हैं वो कब शुरू होगा, उसको कहते हैं ट्रिगर, ठीक है। एक हो गया आपका लिमिट, कितना हवा आएगा, कितने प्रेशर से हवा आएगा, लिमिट, और तीसरा हो गया साइकिल, ठीक है। तो मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड भी करो, तो ट्रिगर लिमिट साइकिल, ट्रिगर कब शुरू होगा, ठीक है, लिमिट कितना आएगा, और साइकिल कब इंस्पिरेशन से एक्सपिरेशन जाएगा, क्लियर है। इसमें कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत के तुरंत पूछ लेना आप लोग, ठीक है। अब आ गया इस चीज को याद रखना, अब आगे कुछ बेसिक, एकदम बेसिक चीजें जो वेंटिलेशन में बेसिक रिक्वायरमेंट, टाइडल बॉडी या बीटी क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में अमाउंट ऑफ एयर गोइंग इनसाइड द लंग, नॉर्मल ब्रेथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता कितना है, अमाउंट 500 है ना, 500। अगर सपोज मैं 120 किलो का हूँ, ठीक है, या मेरी हाइट 7 फुट है और तुम्हारी हाइट 5.5 फुट है, दोनों का लंग का साइज सेम होगा, 500 कैसे हो गया, ये हो सकता है। हमेशा याद रखना टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो होता है 5 to 8 ml पर kg आइडियल बॉडी वेट, ना कि एक्चुअल बॉडी वेट, याद रखना इस चीज को, 5 to 8 ml पर kg आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट क्या होता है, जो आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लंबे-लंबे में फॉर्मूले हैं, ठीक है। सबसे सिंपल फॉर्मूला आइडियल बॉडी वेट का है, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100। जो भी आपका हाइट सेंटीमीटर में है, अगर आप 170 सेंटीमीटर को हो, 100 माइनस कर दो, 70 किलो आपका आइडियल बॉडी वेट है। मैं अगर 165 सेंटीमीटर का हूँ तो मेरा आइडियल बॉडी वेट 165 माइनस 165 का है, मेरा एक्चुअल बॉडी वेट अगर 78 किलो का है वो मेरी गलती है, ठीक है। वैसे नहीं है कि मेरा पैडल वॉल्यूम कैलकुलेट होगा वेंटिलेशन के लिए, अगर आप मुझे वेंटिलेटर लगाओगे तो मेरा पैडल वॉल्यूम क्या होगा, 8 × 60 = 480, ये मेरा पैडल वॉल्यूम होगा। गाइस पता चल गया टाइडल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, पहली चीज एक सांस में कितनी हवा आएगी लंग्स के अंदर उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम होता कितना है एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करेंगे, 5 to 8 ml पर किलो आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपकी हाइट सेंटीमीटर में उससे 100 माइनस कर दोगे, आपकी हाइट अगर 55 सेंटीमीटर है आप 100 माइनस कर दोगे आपका आइडियल बॉडी वेट 55 होगा, 55 × 8 = 1 आपका आइडियल वॉल्यूम है। मशीन में जो फिक्स होगा आइडियल वॉल्यूम वो 500 होगा। आइडियल वॉल्यूम क्लियर, आइडियल वॉल्यूम जरूरी क्यों है,
ब्रीथिंग पर अमाउंट ऑफ एयर गोइंग इनसाइड द लंग इन 1 मिनट. क्या होता है, एक सांस में जितनी हवा गई टोटल वॉल्यूम this also, each block should be done 1 to 2 minutes. If there is the